मेरा है जुनून, तू मेरी है दुआ, तू इश्क मेरा, तू इश्क मेरा, तू इश्क मेरा। शौके जी सरदार साहब, तुम दिल से की इंतजाम करके वापस यहीं आ जाना, डेरे पर मत जाना। जो कम सरदार जी, मैं ना भी आ सका सरदार साहब तो इनको भेज दूंगा मैं। नहीं यार, तुम भी साथ आने की कोशिश करना। उधर भी एक पंगा सरदार साहब, वो फरीद खान आजाद इलेक्शन लड़ने का बोल रहा है। पहले जो लोग उसके साथ थे वो हमें वोट दे रहे थे क्योंकि वो मालिक दाद के साथ था। फरीद खान की इतनी हिम्मत कि वो MLA का इलेक्शन लड़ने लग गया? पता नहीं सरदार साहब, ये आइडिया उसको किसने दे दिया कि वो अपने वोट लेकर दूसरों को खराब करेगा। यार कोशिश करो कि उससे कोई डील बनती है तो बना लो, कि वो हमारे हक में बैठी जाए। मैं कोशिश करूंगा सरदार साहब। ठीक ठीक है, तुम जाओ। बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह खैर। नहीं नहीं नहीं, इसको सही से प्लान करना होगा यार। बैठो 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 यार, मेरी समझ में नहीं आ रहा ये सब होगा कैसे। देखो ना, आज तो मेहंदी है, अब कल तुम्हारे गांव से बारात कैसे लेकर आएंगे हम लोग? यार इसकी तू टेंशन ना ले, मैं हूं ना, सारा बंदोबस्त कर दूंगा मैं रातों रात। क्या हुआ, अपनी नई शादी करवाई तो दोस्त की तो करवानी है ना। हाँ लेकिन दानी, ये सारे इंतजाम कुछ मिसिंग है, कुछ सही नहीं हो रहा। छोड़ो ये सब, ये बताओ यहाँ से कौन कौन जाएगा? यार यहाँ से बख्शु बाबा, उनकी बेटी, मैं, तुम और दो तीन दोस्त बस। तो बस ठीक है, बाकी कुछ लोग वहाँ से ले लेंगे। हाँ ये भी हो सकता है। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम बख्शु बाबा जी। मैंने दानी से कह दिया। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज़। ठीक है, कल के जलसे में सरदार सिकंदर अपनी पावर शो कर रहा है और मेरे कुछ बंदे उस जलसे में उसकी हिमायत का ऐलान करेंगे। तो हो जाए, अब एक जलसा कामयाब होने से वो इलेक्शन जीत जाएगा क्या? तू नहीं समझता सरख खान, तो आप हमको समझा दो, हमारा समझ इस मामले में जरा ठीक नहीं। कल का जलसा नहीं होगा ना भाई ना।